जय हिंद दोस्तों, चार्ली एकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज आपको मैं अपनी एकेडमी के इस वीडियो के थ्रू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी चार्ली एकेडमी के अंदर दिन भर में कम से कम 50 से 100 इंक्वायरियाँ देता हूँ, जिसके अंदर नौजवान लड़के आते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे लड़के भी होते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। आज इस वीडियो का बनाने का सबसे मेन जो पर्पज़ है मेरा, ताकि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूँ कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही करना चाहिए। एक्चुअल में इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एकेडमी के अंदर जो इंक्वायरी आती है, उस इंक्वायरी के अंदर एक्सलेंट जो बच्चे, अधिकतर जो मतलब कि मैक्सिमम रूप में बच्चे देखे जाते हैं, वो 12वीं होते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और उसके बाद जब उन लड़कों से मैं पूछता हूँ कि हाँ आपका टारगेट क्या है बेटा, तो वो लोग मेरे को कोई RPF बोलता है, कोई आर्मी बोलता है और कोई दिल्ली पुलिस बोलता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई अगर कर लिया तो कोई गलत चीज़ है, लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पढ़ रहे हो, तो फिर आप दिल्ली पुलिस और उसके बाद फिर आप आर्मी और उसके बाद RPF और इनमें क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि अगर आपका टारगेट आर्मी, दिल्ली पुलिस या फिर कोई बेल्ट की नौकरी है, तो आप तो 8वीं और 10वीं और 12वीं से भी जा सकते हो। तो फिर 12वीं के बाद आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक एक लाख रुपए लगा करके और 3 साल आप खराब करते हो अपना। तो उसको आप जो भरपाई करते हो, जो उसके घर में, जिसके घर वाले उतने पैसे लगाते हैं, जो टाइम बर्बाद होता है, और उसके बाद चलो पैसे और टाइम की बात को आप देखो, लास्ट में बच्चा अगर आपको साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बनना है तो करो। मैंने एक पंपलेट भी इसके ऊपर छपाया था मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आपका टारगेट आर्मी या बेल्ट की नौकरी या पुलिस है, तो आप MA BA कंप्यूटर या किसी डिप्लोमा के चक्कर में फंसकर अपना और अपने घर वालों का पैसा बर्बाद मत करो। देखो मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको जाना ही आर्मी और इन सब चीजों में, तो आप इन सब चीजों से आप MA और BA करके आप इनका कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा है कि आप, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई आप ये पढ़ाई मत करो, ये मत करो, तो मैं पढ़ाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या फिर आप बिजनेसमैन बन सकते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो 99% बच्चे आते हैं, उनको मेरे को भी पता है कि वो 10वीं और 12वीं कैसे पास हुए हैं, किस कंडीशन में पास हुए हैं, और 10वीं और 12वीं पास होने के बाद उनको उस पढ़ाई का कितना ज्ञान याद है। 99% लड़कों को मेरी एकेडमी के अंदर जो भी आते हैं, 2 शब्द भी याद नहीं होते। क्योंकि मैं इनको अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ कि ना तो जो 12वीं पास करके आते हैं, ना तो उनको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का फर्क पता होता है कि इनमें अंदर फर्क क्या है, इतिहास का नॉलेज नहीं है। और ना ही उनको अगर विज्ञान के बारे में बोलो तो रासायनिक का, चीनी का रासायनिक सूत्र याद नहीं होता है। और ना ही उसको मैथ का अगर पूछो तो 2 + 2 / 2 का उत्तर बताते हैं। और ना ही अगर फिजिकल की बात करो तो उनका 1600 मीटर का रेस ना तो 4:30 और ना ही 4:50 है। उसके बावजूद भी लड़का 99% जो हमारे देश के यंग और नौजवान है, गुमराह होकर के रैली भर्तियों में जाते रहते, बैग उठा उठा करके, कोई यूपी पुलिस का फॉर्म भर रखा, कोई दिल्ली पुलिस का, कोई आरपीएफ का, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं और अपने मोहल्ले में, अपने मम्मी पापा और अपने सारे परिवार में गुमराह कर रखे कि मैं सरकारी नौकरियों को देख रहा हूँ। कैसे हो जाएगा भाई नौकरी, कैसे नौकरी मिल जाएगा, क्या तैयारी कर रखा है तेरे को? 8वीं और 6वीं और 7वीं का क्या, अगर कोई 10 पेज का कोई सवाल जवाब करे तो है पता? नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप तो कोर्स में लगे हुए हो, आप तो डिप्लोमा के चक्कर में लगे हुए, और जब डिप्लोमा पास हो जाओगे नकल मार के, फिर आप दोबारा आर्मी के अंदर। जिस चीज की तैयारी करो आप, उस चीज की तैयारी में लग जाओ। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीए मत करो, थर्ड ईयर मत करो, सेकंड ईयर आप पढ़ो, लेकिन आप जो फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बीए करके आना है या फिर आपको थर्ड ईयर कंप्लीट करके आना है? नहीं लिखा हुआ है उसमें, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप बीए और थर्ड ईयर करके आओ। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने दोस्तों को देखम देखी या फिर गर्लफ्रेंड के चक्कर में या फिर ऐस या मौज मस्ती के चक्कर में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो और चलते हो। गरीब परिवार का लड़का जिसके घर में राशन को पैसे नहीं होते, उसको अपने माँ बाप से फिर भी टॉर्चर करके वो 50,000 1-1 लाख रुपए 1-1 ईयर्स में खर्च करता है। मैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, लेकिन फिर आप करने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन, तो आप फिर आप दिल्ली पुलिस और आर्मी में मत आओ ना। आप यहां पे आना चाहते हो तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 10वीं और 8वीं से ही कर लो। और उसके बावजूद भी देखो कि जब लड़का यहां पे आता है तो वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करता है। बेसिक उसका टाइमिंग 7 मिनट का होता है 1600 मीटर का, और उसको यह भी नहीं पता होता कि उसको भर्ती में किन किन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सिर्फ हाइट आपका 160 सेंटीमीटर है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका TA बटालियन, SSC GD, RPF,
आपका दिल्ली पुलिस, आर्मी, इन सभी चीजों के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इन सिलेक्शन को पार करने के लिए ना आपको फिजिकल, रिटन, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, री वेरिफिकेशन और डिस्पैच आउट, इन सारे इवेंटों से आपको पार होकर के जाना पड़ेगा। और आप एक तरफा मेहनत करोगे, किसी एकेडमी में जाओगे जहां पे आप बोलोगे कि सर दिल्ली पुलिस की तैयारी करना है, और वो आपको बोलेगा हाँ हो जाएगा, सर मेरे को आर्मी की तैयारी करना हो जाएगा, वो 3 महीने 2 महीने आपको पढ़ाएगा और उसके बाद आपका पैसा खत्म करके बैठ जाएगा। क्योंकि आप भी नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि आपने उनको बोला कि मेरे को आर्मी में जाना है तो वो पढ़ाने से थोड़ी भर्ती हो जाएगा, या दिल्ली पुलिस में जाना तो पढ़ने से थोड़ी भर्ती हो जाएगा। उसके लिए आपको फिजिकल वन साइड, आपके पास 24 आवर्स टाइम होता है, तो आप 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा आप दौड़ भी लो, या 2 घंटा दौड़ रहे हो तो 3 घंटा पढ़ भी लो, दोनों को बैलेंस करके चलो। और अगर आप बोलते हो कि थक जाते तो अपने पापा को भी देखो, जो 50 साल की उम्र हो गई है, जो अपने आखिरी दम तक फाइट करने के लिए हिम्मत रखते हैं। 50 साल का बूढ़ा बाप नहीं थक रहा मेरा, और मैं 18 साल का बंदा थोड़ा सा फिजिकल और थोड़ा सा रिटर्न करने में थक रहा हूं। बहुत बड़ी बेवकूफी, एक तो ऑलरेडी पहले गलती कर चुके हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर दोबारा 10वीं वाला फॉर्म भर रहे हैं, और 10वीं वाला फॉर्म भरने के बाद जिस एकेडमी को हम पैसा दे रहे हैं तैयारी करने के लिए, उस एकेडमी का पूरा प्लेटफॉर्म तक उसका इंजन जाता ही नहीं है, क्योंकि या तो वो फिजिकल करवा रहा होगा सिर्फ, या फिर रिटर्न करवा रहा होगा। और ना ही आप उससे कभी पूछते हो कि भैया आप मेरे को पूरा भर्ती तक लेके जाओगे कि नहीं जाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप दोबारा इन होते हो कि आप आर्मी के लिए किसी भी चीज के लिए, तो जिस एकेडमी में जाते हो उसको आप बताओ कि देखो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूं, गलती से मैं ग्रेजुएशन तक चला गया और ये 10वीं की भर्ती में आया हूं मैं दोबारा, क्या आप मुझे अपने एकेडमी के अंदर पढ़ा करके, दौड़ा करके, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सारा फिट करके भर्ती करवा सकते हो, हां कि ना? अगर वो एकेडमी का या कोई भी बंदा बोलता है कि हां मैं करवाता हूं, तो आप उसको दो पैसा, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको 20,000 मांगता 22,000 दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप उससे बोलो कि अगर आप मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते ना, तो प्लीज, मुझे पता है कि आप मेरा समय नहीं वापस कर सकते हो, मेरा पैसा मुझे वापसी कर देना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मैं आपको बताता हूं, ये मार्केट में मैंने पंपलेट छपवा करके भेज रखा है, इस पंपलेट के अंदर मैंने एक लाइन छपवा रखी है कि आप जिस एकेडमी को अपनी जिंदगी का, ये भर्ती का खेल एक मौत और जिंदगी का खेल होता है, जिसको भी आप ये अपना पैसा देते हो, उससे आप जब बोलते हो कि मुझे गारंटी दो कि आप मुझे भर्ती करवाओगे, तो आप उससे ना साइन और एक स्टंप लगवा लेना। और आपसे एक बात बता रहा हूं कि साइन और स्टंप उसी एकेडमी की वैल्यू होती है जो भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। ये कोई उठाए गिरा कोई भी मुंह उठा करके 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा इधर उधर करके अगर कोई भर्ती या कोई ट्रेनिंग का कुछ भी चीज खोल लेता है या कोई क्लासेस खोल लेता, तो वो आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो धंधा के लिए अपना खोला है। अगर सचमुच में वो जैनमैन है तो भारत सरकार से परमिशन लेना इस काम को करने के लिए, मैंने ले रखा है। और अगर मैं आपको अगर इस चीज के लिए गारंटी देता हूं कि हाँ मैं आपके आपके टारगेट तक पहुंचाऊंगा, तो मैं आपको पूरा ठप्पास भारत सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हूं, मेरी एकेडमी भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मैं आपको ठप्पा मार कर दूंगा, मैं जीतू फौजी अगर आपको भर्ती नहीं करवा पाता हूं तो आपका पूरा का पूरा पैसा जिस इज्जत से लिया उस इज्जत से वापसी करूंगा। कोई बात नहीं, आप दूर रहते हो, बाहर रहते हो, आप मेरे पास नहीं आ सकते हो, लेकिन आप जिस एकेडमी को भी पैसा दे तो आप उससे क्लियर कट ऐसे ही बात करो कि सर मुझे फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और रीमेडिकल करके मैंने सुना कि भर्ती होता है, ये सारा चीज करके मेरे को भर्ती होना है, आप मुझे भर्ती करवा सकते हो? हाँ बोलता है, ठप्पा ले लो और उसको दे दो पैसा, तैयारी शुरू कर दो। 1 दिन लगता, 2 दिन लगता, 3 दिन लगता, 1 साल लगता है। कोर्स वोर्स मत करना कि 3 महीने बाद आपको बोलेगा सर आपका पैसा, नहीं, आपने टिकट लिया भर्ती तक का, अगर भर्ती करवाता तो पैसा उसका, नहीं तो पैसा वापसी, और नहीं देता तो केस डाल देना। केस मैं आप दोबारा बता रहा हूँ, इस बात पे दोबारा बल डाल रहा हूँ मैं कि केस सिर्फ सरकारी आप ऑर्गेनाइजेशन पे ही डाल सकते हो, किसी मुंह उठाए जिसने मुंह उठा करके खोल दिया, जिसको अ ब स का नहीं पता भर्ती का, उस पर आप केस नहीं डाल सकते, तो फिर वो पहले से ही वो लुच्चा और लफंगा है, वो आपको उसको केस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी का जो निर्णय लोगे बहुत सोच समझ करके लेना। ऐसा है, मैं आपको ये जो बात बता रहा था कि 10वीं वाला और एमए बीए वाला, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप गरीब परिवार, एक मीडियम परिवार के बच्चे हो, तो 1600 मीटर का रेस और 8वीं का मैथ, जीके, जीएस, इन सब चीज़ों से भर्ती हो सकते हो। एक कोई सही एकेडमी, एक सही ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही तरीके से भर्ती का अगर आपका पूरा जिम्मा लेता तो भर्ती करवा सकता है। जितनी भी एकेडमियां खुलती हैं वो सारी एकेडमियां ना
भर्ती के लायक होती हैं, भर्ती करवा सकती हैं, लेकिन उनको ना आदत पड़ गया शॉर्ट पैसा कमा करके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी को बढ़ाने के लिए। गारंटी का काम कोई करना नहीं चाहता। अगर मेरे से, अगर मेरी एकेडमी के अंदर, जैसे हम लोग बच्चों के ऊपर 12 घंटा मेहनत करते हैं, हम 3 घंटे सुबह मॉर्निंग में फिजिकल करवाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट ग्राउंड के अंदर ही करवाते हैं हम लोग, गाड़ी से, अगर हमारा हॉस्टल का बच्चा होता है तो गाड़ी से करवाते हैं, फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोग पूरा, फिर उसको यहाँ पर रिटर्न की क्लासेस वहीं पर मेंटेन करते हैं जीके जीएस का, उसके बाद फिर 12 से 3 रेस्ट, फिर उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक मैथ रीजनिंग, इस तरीके से हमारा 12 घंटे का पूरा क्राइटेरिया चलता है। उसके बाद भी हम भर्ती नहीं करवा पाते हैं तो हम बच्चे का पैसा रिफंड कर देते हैं। रियल बात है, अगर आपको मैंने किसी चीज़ के लिए पैसा दिया कि सर मेरे को ये सामान दो, सामान देते हो तो पैसा आपका, नहीं सामान देते हो तो पैसा वापसी। मेरी बातों को अगर इसके अंदर कुछ गलत या कुछ बुरा बोला हो तो मैं अपने स्टूडेंट से, अपने भाई से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों से, अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने सारे बच्चों को ये बातें बोलता हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे, मेरे को बोलते हैं कि मैं फौजी हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मैं इस हालात से निकला हूँ, इस गरीबी से निकला हूँ, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका पैसा जो आपके मम्मी पापा आपको देते हैं बहुत मेहनत से, कुछ लोग तो कर्जा ले करके भी देते हैं, तो कम से कम आप जिस व्यक्ति को पैसा देते हो, जिस एकेडमी को पैसा देते हो, आप उसको तो देखो कि उसको पता है कि नहीं है, उसकी ट्रेन वहाँ तक जाती है कि नहीं जाती जहाँ तक मुझे जाना है, और उसके बाद फिर आपको भी मेहनत करना फर्ज बनता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, और अगर आपका टारगेट आर्मी, दिल्ली पुलिस या बेल्ट है तो आप 8वीं, 10वीं और 12वीं से भर्ती हो सकते हो। तो प्लीज़ आप अपने टाइम और आप अपने पैसे को बर्बाद ना करो, और आप अपने सही वक्त का सही इस्तेमाल करके, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ अभी आने वाली है और आ भी चुकी है, अप्रैल के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ हैं, और आप उसको जी जान लगा करके मेहनत करो। अगर आप मुझे अपना दोस्त, अपना गुरु और अपना कोच समझ करके मेरी एकेडमी इन होते हो तो प्रॉपर यही पैटर्न में, जो मैंने आपको पैटर्न बताया कि भर्ती तो पैसा मेरा और भर्ती नहीं तो पैसा वापस, वैसे तो मेरा कॉस्ट बहुत छोटा सा पैसा अमाउंट लेता हूँ, और अगर आप आते हो तो मैं, और उसके अंदर अगर आप कहते हैं कि भैया मेरे को हेल्प चाहिए कुछ भी चाहिए करने के लिए, तो मैं आपका एक भाई और एक गुरु बनकर के आपके सपनों को पूरा, बिल्कुल 101% पूरा करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ 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 आप लोग ना अपने समय को बर्बाद मत करना। अभी 10वीं और अभी 12वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, आप किसी भी तरीके से उसके अंदर अगर आप नहीं पढ़ने में मन लगता है, 45% भी लियाओ, ठोक के भर्ती करवा करके आपको भेजूंगा यहां से, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने ना, ठीक है। जय हिंद।